हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैमिली ट्यूब। आज मैं बनाने वाली हूँ रागी सूप। बहुत ही इजी और हेल्दी सी रेसिपी है, तो आज आप चलो मेरे साथ बनाइए और अच्छा लगे तो अपने डिनर में, अपने मील में इसको शामिल भी करिए। तो सबसे पहले हम पैन को गरम कर लेंगे अच्छे से। जैसे हाथ से आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से गर्म हो गया है। हमने ये 2 चम्मच आटा लिया है, इसको आप अच्छे से भून लीजिए। तीन चार मिनट लगेंगे हमें, सिम पे ही रखिए, जले ना, बस ये ध्यान रखना। ये 2-3 मिनट के बाद इसमें से हल्की सी अरोमा आने लगती है और कलर भी ये थोड़ा सा क्या, जब हम सूप में एक्चुअली जब ये आटा मिलाएंगे तो इसमें कच्चे आटे की स्मेल ना रहे, इसीलिए भूनना अच्छा रहता है। हमारा आटा अब अच्छे से भून गया है, खुशबू भी एक अच्छी सी आने लगी है, तो हम इसको बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ा, ताकि ये ठंडा हो जाए। अब आगे की प्रोसेस देखिए। अभी पैन में हम 1/2 स्पून ऑयल लेंगे। मैंने देसी घी लिया है, तो आपके टेस्ट के ऊपर है। अब इसमें थोड़ा सा हम, जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा मैं लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करूंगी। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। अब सूप में आपको जो भी सब्जियां ऐड करनी है वो देख लीजिए। मैंने इसमें देखी, बाउल में रेड येलो शिमला मिर्च ली है, साथ में इसमें छोटा छोटा बीन्स भी काटा है। तो ये सारी सब्जियां हम इसमें ऐड कर देंगे जब हमारा लहसुन अच्छे से सिक जाएगा। मैं सब्जियां थोड़ी ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। थोड़ा तेज आंच पे हम इसको सेक लेंगे, ताकि थोड़ा सा क्रंचीपन जो सब्जियों में है वो रहे टेस्ट के लिए। बट इसको आप चलाते रहिएगा, नहीं तो ये चिपक जाएगा, क्योंकि मैंने घी भी थोड़ा कम ही ऐड किया है। एक 1.5 मिनट आप सब्जियों को ऐसे भून लीजिए। दूसरी तरफ जो मैंने आटा, रागी का आटा भुना था, उसे मैंने एक बर्तन में ले लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं उसको अच्छे से मिक्स करूंगी, ताकि लम्स ना रहे उसमें। थोड़ा और पानी ऐड कर लीजिए इसमें। ये जो मैंने 2 चम्मच आटा लिया, आप देखना इसी से सूप की जो थिकनेस है वो कितनी अच्छी से आएगी। साथ में हम सब्जियों को भी भून लेंगे। हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट हो ही गई हैं अच्छे से।
अब इसमें हम जो मैंने रागी का ये पानी के साथ रागी के आटे को मिक्स किया है ये हम डाल देंगे। अब 4-5 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे। पानी हम थोड़ा और डाल देंगे, ये आपके एक्चुअली थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सूप क्या मतलब ज़्यादा पतला चाहिए या थोड़ा थिक। अभी देखिए सूप में अच्छे से बॉईल आ गया है, तो इसमें हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। थोड़ा सा हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक पेपर, और जब सूप बनके तैयार हो जाएगा तो बाद में आधा स्पून इसमें सिरका ऐड कर देंगे। अब देखिए कितनी अच्छे से इसकी जो थिकनेस है सूप की बन रही है, और कलर भी कितना बिल्कुल आपका मार्केट में जैसे पैकेट में सूप आते हैं वो जो दिखने में इतने अच्छे लगते हैं लेकिन वो इतने हेल्दी नहीं होते। तो घर पे ही हम जैसे कॉर्नफ्लोर आप यूज़ करते हो, तो हमने रागी का जो आटा बहुत ही हेल्दी होता है वो उसका हमने ये सूप तैयार किया है। तो जो लोग अपना वेट भी कम करना चाहते हैं तो वो डिनर में इस सूप को ऐड कीजिए और उसका इफ़ेक्ट देखिए। थोड़ा सा ऊपर से हम हरा धनिया चॉप करके डाल देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा सूप तैयार है। तो फ्रेंड्स ये देखिए घर पे जो मैंने सूप तैयार किया है कितना इजी और हेल्दी है, तो आप भी बना के जरूर इसको अपने डाइट में शामिल करिए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। थैंक यू।